सीजन आ गया है इसका, अब सुनने को मिलेगा क्योंकि शादियां हो रही हैं। अभी जिनको कॉल कर रहा हूँ उनकी शादी हो रही है, कब, परसों परसों परसों, परसों शादी हो रही है इनकी, अब फोन मिलाओ। और इन्होंने फर्नीचर बुक किया है अपने लिए। हेलो, नवीन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नवीन जी फर्नीचर से बोल रहा हूँ। हाँ भैया, कहाँ हो? बेड और फर्नीचर का क्या किया? मैं इसका मतलब आप घर पर नहीं हो, आप कहाँ पे हो अभी? ऑफिस में हूँ। नवीन जी परसों शादी है, आप भी ऑफिस में, क्या चक्कर है? हाँ बस यार, बस आज थोड़ा काम था, कल से छुट्टी पे हूँ, 15 दिन की छुट्टी पे हूँ कल से। हाँ सही सही सही, मैं भी यही कह रहा हूँ, छुट्टी करो। अच्छा, क्या हुआ वो फर्नीचर का, बेड का क्या नहीं तो हुआ? आप ऑफिस में हो ना, वो तो रखवा भी दिया मैंने, मैं घर से रख के ही फोन कर रहा हूँ आपको। और अच्छा, आई एम रखवा सॉरी, दिया थोड़ा आपने? थोड़ा देर, हाँ रखवा दिया, रखवा दिया। किसने रखवाया? घर पे कौन था? अरे पापा थे आपके, पापा थे, और एक मेरे मालूम नहीं आपके अंकल है कौन है, तो उन्होंने करवा दिया था। यार, तुमने रखवा दिया यार, मैंने कहा था, मतलब मैंने नहीं नवीन पापा से जी, कहा। नवीन जी, वो आपके पापा ने भी बताया मेरे को, वो बेड आप बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं चाह रहे थे, आप ये चाह रहे थे ना थोड़ा सा बीच में हो, सेंटर में। हाँ, हाँ वहीं वही पे चाह रखवाया, रहा वही था रखवाया, एक्चुअली। डोंट वरी सर। और कुर्सियां मैंने वही लगवा दी थी, दो कुर्सियां बची थी आपकी। अच्छा, वहीं वहीं हाँ वहीं वही पे पे रखवाई है ना? ना, वो तो मैंने अंकल को दे दिया था, कह रहे थे हम खुद रख लेना, आप चले जाओ। मैंने कहा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, और सॉरी सर डिले हो गया, वैसे आपको लकड़ी में कोई कमी नहीं मिलेगी सर। सर आप यकीन करना, टीक है पूरा, पूरा टीक, जो बेड दिया है मैंने आपको पूरा टीक है सर। वो आपका वाला तैयार हुआ नहीं अभी तक। यार आप क्या कह रहे हो यार, जो मतलब जो तैयार नहीं हुआ, मतलब कौन सा रखवा दिया आपने बिना बताए? आप नहीं कौन सा रखवा वो दिया वहां दस दिन पे में, यार? अरे सर मैं आपसे कह रहा हूँ उससे अच्छा बेड है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है पूरी नहीं लड़की नहीं जो लकड़ी मैंने बताया था, मतलब वो वो, नहीं करवाया है क्या मैं वहीं पे भैया? सर हम रखवा दिया कराएंगे दो ना, दिन हम बैठे तीन हैं दिन में, ना, शादी है हम भैया। बैठे, नहीं शादी में समझ रहे हो सर, परसों शादी है, मैं अपनी ने भी अपने ही फॉल्ट मान रहा हूँ, अपने ही फॉल्ट मान रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा हैंडल कर लो, थोड़ा सिचुएशन है, मैं संभाल लूंगा कौन सा रखवाया सर। आपने? डबल बेड ही रखवाया है, डबल बेड ही रखवाया है, लेकिन वो वैसे डबल है, मतलब एक के ऊपर एक है वो, तो उसमें सीढ़ी भी है, साइड में सीढ़ी है, टीक की सीढ़ी है, मतलब उसमें ना ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो 4 दिन में उठवा के वापस करवा देंगे, मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे। क्या बोल रहा है तू, कौन सा रखवाया तूने? वो बच्चों वाला नहीं होता डबल बेड, एक नीचे सोता है एक ऊपर सोता है, वो वाला रखवा दिया है, 5-6 दिन की बात है, फिर चेंज कर दूंगा मैं अबे तू पागल हो गया यार, कुत्ते जैसी बातें कर, मैं पागल हो गया? अबे सर। रखवाया तो है मैंने, तूने वो वाला बैग क्यों रखवाया, उल्लू का बच्चा तो है? अरे 4 दिन के लिए तो रखा है सर। तो पापा क्या अंधे हो गए हैं क्या, कौन सा बैग रखवा दिया है? पापा तो कुछ नहीं बोल रहे थे ना इसको ना 2 मिनट में उठवा ले, मैं बता रहा हूँ, वरना मैं सर, तेरी ऐसे ऐसे कर दूंगा, ऐसे बता रहा हूँ कैसे मैं। उठवा लूं सर, ऐसे कैसे उठवा लूं ऊपर नीचे करते हुए सारी रात, ऊपर नीचे करते रहूंगा कि मैं यार? तो क्या, चार तेरा दिन बैग की रखवा बात है दिया? ना, 4 दिन की बात है, मैं क्या करूं? आप डबल बेड तो मांगा, आपने डबल बेड दे दिया ना मैंने, अरे तो पागल हो गया क्या? अभी मेरी सुहाग रात है यार, क्या मैं ऊपर नीचे सर मैं करते कब रहूंगा मना कर रहा सारी हूं, रात? मैं कब मना कर रहा हूं, मैं तो गलती मान रहा हूं अपनी, अबे यार मैं ऐसे नहीं हो, क्या क्या ही है वाली हरकत कर दी यार, सर आप 4 दिन की बात है मैं कर दूंगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा यार बैग क्यों तो रखवाया? सर कोविड भी तो चल रहा है ना, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी तो करनी है ना। अरे यार इसको हटवा ले यार, मैं कह रहा हूँ इसको हटवा। रुक यार, मैं पापा को फोन करता हूँ तो यार, ये तुम चूप कर आप यार, पापा वहीं पे रुक यार मैं थे, पापा को, पापा पहले वहीं पे, पापा से सर बात आपको करो यार प्रॉब्लम प्लीज। क्या है मेरे को बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम है? 4 दिन की बात है, रख लो सर इसको अभी। अबे यार इस बैग की जरूरत 4 साल बाद पड़ती है यार, इसे हटा ले कुत्ते। अरे सर आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो, ये गलत बात है सर, एक तो लाके दे दिया मैंने, मैं मान रहा हूं ठीक नहीं था गुरु, एक तो गिफ्ट दे रहा हूं मैं, ये 4 साल के बाद यही बेड काम आएगा, ठीक है? नवीन रेडियो मिर्च से नवेद बोल रहा हूं, अगर इन्विटेशन देते ना मुझसे, कहते कि मैं आ जाऊं, तो कभी भी इस तरह का मुर्गा नहीं बनाता जो मैंने तुमने बना दिया, बना दिया, ठीक है? डबल बेड लग गया होगा तुम्हारा, मुझे नहीं पता, अब इस वाले का क्या करूं, ऊपर नीचे वाले का। नवीन आवाज तो आ रही है मेरी, नवीन ये वाला डबल बेड काम नहीं है। कंग्रेचुलेशन, शादी मुबारक। अरे यार मेरा खून अरे नहीं यार, अभी यार बात बाय करने का बाय यार बाय 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 दोबारा। बाय बाय। हेलो स्कूल, गुड ये मैडम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैडम मैंने अभी आपके स्कूल की बस देखी थी, तो उस पे लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग फास्ट ड्राइविंग कॉल ऑन दिस नंबर, तो मैंने आपका नंबर देखा, मैंने फौरन आपको कॉल मिला दिया है। इज ही ड्राइविंग रैश? नो 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 मैडम, नो नो, बंदा तो गाड़ी से सही चला रहा है, एक सेकंड रुको, सही जा रहा है, कम से कम 35-40 पे जा रहा है, मैं पीछे पीछे हूँ उसके, आपकी बस के पीछे पीछे हूँ कार पे। सर थैंक यू सो मच। नहीं एक सेकंड फोन मत रखना, मैं अगली रेड लाइट से देखूंगा इसको, कुछ पता नहीं कब मैं तेज चला दे, ठीक है? आप होल्ड ही रखना, ये देखो इंडिकेटर दे रहा है, लेकिन मोड़ी है इसमें सही। मेरे ठीक चल
कॉल आ रहे तो मैं रख नहीं नहीं, नहीं बुराड़ी चौक के बाद इसका कुछ भरोसा नहीं, कुछ भरोसा नहीं। आप यहीं रुकिए, अभी रुकिए, मैं पीछे पीछे हूँ इसके, पीछे पीछे हूँ, हम भी तो देखें। सही चला रहा है, बिल्कुल सही चला रहा है सर, सही चला रहे तो ठीक है। नहीं रुको, कुछ भरोसा है आदमी, एक सेकंड रुकिए, ये एक्सप्रेस वे पे आया है ना, आप शायद दौड़ाएगा, घोड़ी बना देगा इसके, रुकिए मैं देख रहा हूँ, सही चल रहा है अभी। हाँ जी, एक सेकंड रुकना, जरा हवलदार आ गए, मैं फोन नीचे रख रहा हूँ, होल्ड 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 करना, ये कभी भी तेज चला सकता है, एक सेकंड। सर अगर वो सही चला रहे तो आप बार बार मुझे तो फोन नहीं, चार बच्चे उतर गए ना, हो सकता है हल्की होगी गाड़ी, आप दौड़ाते शायद ही, आप होल्ड रखो, अभी इसको देखना है, हमें देखना है, आपने अपना फर्ज पूरा किया भाई, हमारा भी तो फर्ज है, आपको बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे। सर जब ये तेज चलाएगा तब कॉल करिएगा ना। देखिए मैडम, मैडम देखिए, अगर ये तेज चलाएगा फॉलो करने के लिए मुझे भी तेज चलानी पड़ेगी, और तेज चलाते में मोबाइल बात नहीं करता, प्लीज आप होल्ड रखिए, अभी धीरे चला रहा है ये, समझ गए आप, धीरे चला रहा है। कौन पागल है? पागल नहीं, नवेद कहते हैं, मैं आपकी बस का नंबर देखा था मैंने, तो मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहे थे मैडम, ये तेज मैडम गुड मॉर्निंग, आप सही से बच्चों को पढ़ाओ, हैं पढ़ाई लिखाई की बड़ी जरूरत है, मैं आपसे फिर बात करूंगा, अभी भी सही चला रहे, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं से बोल रहा हूँ सर, आपको बताना चाहता हूँ सर, हमारी एक सर्विस आई है हार्ट टू हार्ट कनेक्ट, अगर आप इंटरेस्टेड सर, बात सुन लीजिए, इसमें इस सर्विस में बस सर ये बता रहा हूँ, जितने आपके गर्लफ्रेंड मैसेज भेजती है उसका रिप्लाई हम अपनी तरफ से कर देते हैं, ताकि आपका टाइम बच जाए सर। क्या सर, इसमें ये सर्विस में ये है कि जितने भी आपके गर्लफ्रेंड, मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेजेस कर रही है, तो आपकी तरफ से हम आपके गर्लफ्रेंड को रिप्लाई कर देंगे अगर आप बिजी हैं। ये क्या आप सचमुच कर रहे हो या यार, ये मतलब नहीं नहीं सर, आपको नहीं सर, बिलीव नहीं हो रहा सर, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट में सिर्फ एक हफ्ता रह गया सर, हमारे बहुत सारे कस्टमर है जो यूज कर रहे हैं, मैं आपको फिर समझा देता हूँ सर, मान के चलिए आप मीटिंग में बिजी हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ने लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू, अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आफत तो मशा बन जाता है सर, इसमें हम 3 सेकंड के अंदर अंदर आपकी तरफ से मैसेज भेज देते हैं। अच्छा, आप कहें तो सर आपके ये नंबर पे मैं एक्टिवेट कर दूं, लेकिन सर इसके मासिक चार्जेस हैं आपको 1500 रुपए अलग से लग के आएंगे। चल ठीक है, वो तो 1500, लेकिन ये होगा कैसे, मतलब मैं आपको बता देता हूँ सर, मिसाल के तौर पे सर, फॉर एग्जांपल जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपकी ड्राइव करते वक्त आपकी गर्लफ्रेंड ने मिसाल के तौर पे आपको लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू, सर अगर आप 4 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से वो गुस्से की स्माइली भेजती है या फिर बुरा मान जाती है, एम आई राइट सर? सर इसमें यह होगा, जैसे उसने लिखा हेलो जानू आई एम मिसिंग यू, हमारे सर्वर पे आ जाएगा, हम आप ही के नंबर से, क्योंकि हमारे से ही नंबर चलता है आपके, आपके नंबर से हम टाइप करके भेजेंगे, जानू आई एम वेरी गुड बट विदाउट यू नथिंग। अच्छा, और ये अच्छा ठीक है, पर आपके यहाँ से कौन ये कोई आदमी करेगा या सर, हमारे यहाँ से आपने आदमी मैडम भी बैठी हुई है, मैडम से करवाए थे, आदमी बैठे थे, जिसको आप प्रेफर करें सर। सर इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, अगर मैडम ने आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा, हम अपनी तरफ से भी दिन में कई बार उनको टेक्स्ट भेज सकते हैं। अच्छा, कर दो यार एक्टिवेट, अभी एक्टिवेट कर देता हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ सर, दिन में जो अपनी तरफ से हम एक्टिवेट करें वो वाला एक्टिवेट करूँ या फिर उन्हीं के बातों का जवाब देते वो वाला एक्टिवेट करूँ? हाँ, दोनों कर दो, मतलब जिसमें ना सर मैं जान सकता हूँ मॉर्निंग में हम क्या मैसेज भेजे मैडम को, आपके गर्लफ्रेंड को? मेरा बाबू उठ गया। 1 सेकंड सर, मेरा बाबू उठ गया। हाँ, क्वेश्चन मार्क, हाँ 2-3 लगा देना, और मतलब स्माइली रोज मत लगाना, एक दिन छोड़ के लगाना। ठीक सर, आप चाहते हैं इसके कितनी देर के बाद दूसरा मैसेज भेजे? नहीं, रिप्लाई आन दो ना, फिर उसके बाद मतलब यार एक दोपहर में भेज देना उसको, ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा करके दिन में एक उसको अराउंड बिल्कुल दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना, ये लिख दूं सर, ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगता। हाँ, ऑफिस में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ ये ठीक है सर। सर रात के कोई खास मैसेजेस? नहीं, रात को तो कुछ कर लूंगा कुछ। सर थैंक यू सो मच, 24 घंटे में सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। जी सर, यार कोई ऐसा है क्या कुछ जो डीपीपी जब वो लगाए तो अपने आप को यहाँ से कोई लाइक और अच्छा सा कमेंट का भी कुछ जुगाड़ हो जाए, कुछ काम खुद भी कर ले, हमारे ऊपर छोड़ रखा मोहब्बत करिए क्या तमाशा बना रहा। हेलो, कौन बोल रहा है ये? सर आरजे नवेद बोल रहा हूँ, मोहब्बत करिए तो सारी चीजें झेलनी पड़ेगी, कोई इस तरह की सर्विस शुरू नहीं हुई, इस तरह की सर्विस शुरू हो जाती है तो दुनिया में सुकून पड़ जाता है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंचती, सर हिंदुस्तान की तरक्की कर लेता, सब तरक्की कर लेता, सारे मत परेशान ना होते। सर थैंक यू सो मच, बाद में बात करूंगा आपसे, बाय। साला चूतिया बहन। Hello? Hey Sheena, I hope I'm not disturbing you. Yeah, tell me. Okay, I'm Ajay and I'm a wedding planner, right? Oh, okay. And Sheena, I'm so glad that you picked up my phone. No, it's okay, yeah, tell me. Okay Sheena, before I talk more, I want to ask you something like, what kind of a guy you are looking for? So Ajay, I'm looking for a guy who's like well-read and from a like, good university, and he should smell really, really good. Oh, you know, that matters really me the most. That would have turned me really, really off. Yeah. Oh my God. Okay, let me be very frank with you. There is a guy called Rian. He's in our office right now.
what exactly Rian, right? Yeah, Rian. Rian do? Yeah. He's into business. Okay, travels a lot. And let me tell you, he's a travel buff. Cool, yeah. So cool. Loves to go to the mountain and roam around the world, like India, you know. Wow. So what I'm thinking, why don't you talk to him right now? And ke dibag mein pata nahi kitne sawal hain aapko leke. Ek sawal to abhi wo mere se kar raha tha, he want to ask me, and I said, come on, man. He can ask me directly. Yeah. Come. She's Sheena, and I think you had a question for her, right? Hey, Rian, don't be shy. Ask me anything, yeah. What's your question? Hello. Sir, apne bare mein bataiye. 10 rupaye ka ticket hai bhai, yo ladki nagin banegi bhai, yo. So chalo hone wala hai. 10 rupaye, 10 rupaye. बहुत बंगले का खुलने का समय 12:30 बजे, सो चालू होने वाला भाइयों, 10 रुपए, 10 रुपए, लड़की आग से खेलेगी भाइयों, लड़की आग से खेलेगी, 10 बजे के बाद बच्चे घर चले जाए भाइयों, डांस पार्टी का शो शुरू होने जा रहा है 10 बजे के बाद, ए सीना, इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, एंड यू नो सीना, दीस डेज ही इज ट्रैवलिंग अ लॉट, आर यू ट्रैवलिंग राइट, वेयर डू यू ट्रैवल, आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, देहरादून, इलाहाबाद, झांसी, चंडीगढ़, वाराणसी, जालंधर, नई दिल्ली, नैनीताल, दमू, धर्मशाला, गोरखपुर. Okay. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कौन बोल रहा है? आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ मैं, ऑफिस में कलीग हूँ उनका, उन्होंने बताया आपका बर्थडे, कह रहे थे तू खुश हो जाएगी बहुत ज्यादा, तू भी विश कर दे हैप्पी बर्थडे. मेरा बर्थडे आज नहीं है. लेकिन ये तो इन्होंने बताया आपके हस्बैंड ने कि आज है. सुमित ने बताया? जी सुमित, आपके हस्बैंड, उन्होंने कहा कि आज बर्थडे. 18th अप्रैल बोला था आज. यस 18th अप्रैल बोला था. जरा घर आ जाएगी आज, मुझको याद दिलाती हूँ मेरा बर्थडे कब था. ला 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 ला, इसका पति तो गया. I'm sorry, मैं ऐसा काम क्यों करता हूँ. I'm very sorry, मुझे भी नहीं पता थी कौन, but happy birthday तो उसका हो गया, रेडियो मेरे चिपे मुर्गा बन गया. हेलो अरुण. या अरुण, मैंने मैट्रिमोनियल में आपका ये एड भी देखा था, और मैं आई केम टू नो कि आप शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं. बेटा मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे को किसी ने बताया था कि आपका अपना बिजनेस है, तो कोई बता रहा था आप ये वॉइस ओवर करते हैं, आई समटाइम डिस्कवरी में भी किया आपने, हमारी बेटी अनुराधा. मैं ये चाहता हूँ कि आप मतलब शादी के लिए तैयार हैं और आपने मन बना लिया है, तो मैं इसके बारे में आपको फोन करना चाह रहा था, तो मेरे को थोड़ा बताइए बेटे अपने बारे में. जैसा कि आपने पूछा कि मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जॉब से फुर्सत होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म और टीवी एड के लिए वॉयस ओवर भी करता हूँ. मैंने बहुत सारे नरेशन और प्रोमो में वॉयस दी है. मेरे पापा को कुछ साल पहले से ही मेरी शादी की फिक्र होने लगी है, और वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़की अगर सुशील और सुंदर है तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस शादी के लिए. मेरी बेटी है संगीता. बहुत ही अच्छा नाम है. क्या बात करने से पहले मैं जान सकता हूँ कि संगीता क्या करती हैं? बेटे न्यूज पढ़ती हैं, यहाँ एक लोकल न्यूज चैनल है, वो पढ़ती, मैं बुलाता हूँ. नमस्कार. नमस्कार. पिताजी से तो आपकी बात हो ही चुकी है. अभी मैं आपके पापा से बात कर रहा था. लेकिन सवाल यह है कि इस शहर की ये कमसिन और कुंवारी लड़की आपसे शादी करे क्यों? मेरे पास भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि आपकी खूबसूरती और भी चार चांद होगी. क्या लड़के को घरेलू काम काज आते हैं? क्या उसे खाने पकाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? शुरू शुरू में मैं रोटी नहीं बना पाता था, लेकिन अब तो मैं रोटी काफी गोल गोल तैयार करता हूँ. लड़के की आवाज से ये साफ जाहिर है कि वो 40 से ऊपर का है. जी आपके बातों से तो काफी हंसी आ रही है मुझे. हमें एक घंटे से आ रही है. हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं. हमें पता चला कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, लेकिन इतना प्रोफेशन अपने दिमाग में कौन रखता है? मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. हेलो, ये जनरल स्टोर? हाँ जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ. नहीं भाई साहब, एक बात बताइए, ये आपको अगर कोई वादा करते हो यार, उसको कम से कम पूरा किया करो ना आप. क्या हुआ? नहीं मैं आपको परेशानी बताता हूँ. मैं अभी 2 दिन पहले आपके स्टोर पे आया था, मैं अपने बेटे को लेके अच्छा? आया था, 8 साल का मेरा बेटा है. अच्छा? हाँ तो मैंने आपसे घड़ी ली थी, आपको याद है? अच्छा? घड़ी ली थी मैंने. 50 आदमी आते हैं तो बताओ. नहीं तो मैं भी उनमें से एक हूँ. जब मैं घड़ी ले रहा था, मैं वाटर की भी बात हुई थी भाई, घड़ी के क्या क्या फीचर है. आपने कहा था उससे बेचैन निश्चिंत रहो वाटर से, आप ये आपका बेटा ये घड़ी पहन के स्विमिंग भी कर लेगा,
ये कहा था आपने? नहीं नहीं तो नहीं, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कल कल कहा तो कल मैं इसको स्विमिंग पूल लेके गया हूँ मैं। अच्छा, ये पहन के स्विमिंग नहीं कर पा रहा है ये? मैं गारंटी दे रहा हूँ पहन के स्विमिंग बिल्कुल कर सकता नहीं है। कर सकता ना, मैं पागल हूँ जो बता रहा हूँ आपको? ऐसे कैसे नहीं कर? नहीं तो ऐसे नहीं कर सकता, तीन बार मैंने घड़ी पहनाई है उसको। हाँ आप सही कर, मैंने घड़ी पहनाई है उसको, मैंने कहा बंटी कूद स्विमिंग पूल में वो। अरे यार मेरी बात सुनेगा भाई, सुनो, मैंने उससे कहा बंटी घड़ी पहन और कूद जा, वो कूदा स्विमिंग पूल में गुट 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 अंदर पानी में, अंदर तैर नहीं पा रहा है वो। बेटे को तैरना नहीं आता? तैरना कहाँ आता है, इसीलिए तो ली थी, आपने कहा था ये पहन के तैर सकते हैं। अच्छा, उसको तैरना नहीं आता? तैरना नहीं आता ना, पहले मैंने आपको बताया था, आपने कहा था पहन के तैर सकते हैं। तो फिर क्या घंटा करेगा? अरे यार बदतमीज से बात। हेलो रितिका, राइट? यस रितिका, हाय, आई एम प्रणव, आई एम सो सॉरी मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, बट रितिका, आई सॉ योर प्रोफाइल, वो मैंने प्रोफाइल देखा आपका एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू, यू नो मुझे आई मीन मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ कि मुझे शादीवादी करनी है, मैं इन चक्करों में पड़ता, बट मैंने आपका प्रोफाइल देखा है। सो इज इट द राइट टाइम मैं बात कर सकता हूँ? सो वेयर यू स्टे रितिका, वेयर यू स्टे? मैं चंडीगढ़ में। आप चंडीगढ़ में हैं? हाँ, चंडीगढ़। आई मीन सो हाउज लाइफ? लाइफ इज गुड, आप बताओ? I'm good. By the way, let me introduce myself. My name is Pranav and I'm in Delhi. Abhi Delhi mein hoon. So Pranav, so what do you do? Ritika, main news padhta hoon. Oh, wow. Padhte hain aap? Yeah, yeah. That's great, yeah. Kab se padhte hain aap news? I mean, mujhe 10 saal ho gaye news padhte hue. मैंने तो मतलब कभी देखा नहीं। I don't know, क्योंकि हो सकता है कभी मिले ना, I don't know. प्रणव, आपका पूरा नाम क्या है? प्रणव मल्होत्रा, प्रणव मल्होत्रा। किस टाइम पढ़ते हैं आप न्यूज़? लाइक कभी भी जब वक्त मिल जाता है, 5:30 बजे, 7:30 होता है मॉर्निंग और इवनिंग भी कभी कभी। मैं देखना चाहूंगी, आप कहाँ पढ़ते हैं आप न्यूज़? मैं घर में ही, आप देखना चाहती हैं तो आइए ना, मैं घर पे पढ़ता हूँ न्यूज़। घर पे? या आई मीन अखबार में से पढ़ता हूँ मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं अभी भी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। गाजियाबाद में 2 गुटों में घमासान, दिल्ली का पारा सर से ऊपर चढ़ा। न्यूज पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, न्यूज पेपर आता है तो मैं पढ़ता हूँ। यू नो रितिका, मैं न्यूज तो नहीं पढ़ता, मैं बोलता हूँ और बोलते बोलते मैं मुर्गा बनाता हूँ और आपका बन चुका है। नवेद बोल रहा हूँ रितिका। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। हेलो अजय भैया, नमस्ते, मैं प्रकाश की वाइफ बोल रही हूँ। आप ही के टीम में है ना वो? उनका बड़ा ही मूड खराब है, पता नहीं क्या हो गया। वो बस प्रेजल की वजह से मूड खराब हो रखा है। मेरा तो इतना मूड खराब हो रखा है कि दिल कर रहा है आग लगा दूं इस कंपनी में। हम लोग, मैं और प्रकाश, 4-5 साल हो गए इस कंपनी को दिए हुए, हमने मैनेजर हैं हम लोग, अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं इस कंपनी में, दिन रात सेवा कर रही है इस कंपनी की हमने, तो प्रेजल के चक्कर में इंक्रीमेंट भी रोक दिया हमारा इन्होंने। हुआ क्या है वैसे? अरे हुआ क्या है, ये साले उल्लू के पट्टे मुझे समझा रहे हैं, कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा। क्या बेनिफिट नहीं हो रहा कंपनी को? और एक ही हमारा बॉस घरे का बच्चा, ये बार बार एक ही रट लगा के बैठा हुआ है, नोटबंदी की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर नोट बंद हुए थे तो खुल भी गए ना, तो पैसे तो बढ़ाने चाहिए उसको, हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहा? और मैं बैठ के उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार। अरे मुझे क्या लेना देना प्रॉफिट से? मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है भाभी जी, मेरा तो बस छोड़ दूंगा ये कंपनी में ना। नहीं भैया सब्र कीजिए, पता नहीं अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा ना। क्या मंजूर होगा भगवान के हाथ में? सब कुछ तो इनके हाथ में है, कुछ छोड़ा भगवान के लिए इन्होंने? नहीं नहीं, आप ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। चलिए मैं अब चलती हूँ। ठीक है भाभी, नमस्ते। हेलो अजय सर, हाय। कौन? मैं सेल्स में हूँ सुशांत, अजय सर आपके अंडर में। हाँ बोलो, क्या बात है? सर आप बॉस हो, मतलब आपकी टीम में भी 116 बच्चे हैं सर, मैं भी उनमें। सर अप्रेजल क्यों नहीं अच्छा हुआ है मेरा? देखो सुशांत, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इस बार है ना कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं हुआ यार। ये जो नोटबंदी हुई है ना, उससे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा। लेकिन नोट बंद हुए, खुल भी तो गए थे ना? खुल गए हैं लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, पड़ेगा फर्क, अभी तो खुले हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी बहुत अच्छी है, थोड़ा काम करो दिल लगा के, बढ़ जाएंगे धीरे धीरे बस। बट सर नोटबंदी की वजह से मतलब?
अरे नोटबंदी मैंने करी है क्या? अरे नहीं बढ़े तो क्या हो गया, अगले साल बढ़ जाएंगे, क्या टेंशन है? कंपनी पे ट्रस्ट करो और काम पे ध्यान दो, दिन रात मेहनत करो। ओके सर, बाय बाय। हेलो 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 हेलो, कॉल किया है? नहीं भाई साहब, आपने कॉल किया हुआ है? मैंने किया है। हाँ जी, कौन बोल रहे हो आप? मैं भूषण। ओ भूषण, प्लम्बर? क्या प्लम्बर? प्लम्बर लग रहा हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, फोन किया था क्या? आपकी तरफ से कॉल आई हुई है मैडम। कौन बोल रहे हैं? मैं भूषण बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, मेहंदी वाले भैया? क्या मेहंदी वाले भैया बोल रहे हैं ना? मैडम आपके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? मैं मेहंदी वाला लग रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ फोन किया आपने? ओ यार मैंने नहीं किया, आपकी साइड से फोन आया हुआ है। सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं भूषण बोल रहा हूँ। अच्छा, ओ पुताई करने वाले? तेरे को पुताई करने वाला लग रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, बोलेगा भी कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके मोबाइल सर्विस से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? भूषण। सर मैं पहचान गया, आप वो हलवाई के सामने जो पकौड़े बनाते हो, भूषण? मैं तेरे को हलवाई लग रहा हूँ। हेलो, गुरप्रीत है? गुरप्रीत नहीं है। कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं गुरप्रीत, गुरप्रीत की वाइफ। आप कौन? मैं जी, मैं गुरप्रीत, गुरप्रीत का दोस्त। एक भाभी जी होल्ड करिए, मेरा फोन आ रहा है। एक, हाँ गुरप्रीत। हेलो बेटे गुरप्रीत, उधर मत जाओ गिर जाओगे। एक सेकंड भाभी जी, मैं जरा टीवी देख रहा था। नमस्कार, मैं हूँ गुरप्रीत और आप देख रहे हैं न्यूज़। ये अच्छा नहीं है, एंटरटेनमेंट लगाओ यार कोई। एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू गुरप्रीत। भाभी जी एक सेकंड, फोन भी तो इतने आते हैं ना। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ। फोन से क्या मैं आपके दो मिनट ले सकता हूँ? नहीं अभी बात नहीं कर सकते भाई। एक सेकंड मैडम होल्ड करना, मेरे घर पर भी आया। कौन है? ओ मैं आ गुरप्रीत, दरवाजा खोलो। एक सेकंड, पापा जी आए हैं, जरा बाद में दरवाजा खोलता हूँ। ओ गुरप्रीत गिर गया ना तू, मना कर तू टेंशन मत भाग, चौकड़ो। एक सेकंड लेट मी कॉल डॉक्टर। हेलो, हाय डॉक्टर गुरप्रीत, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ। अभी गुरप्रीत खेल रहा था, मैंने मना भी कर रहा था, ऐसे मत भाग बच्चे, तो गिर गया, खून निकल गया, तो क्या इसको दवाई वाई देने? एक सेकंड रुकिए, मैं जरा नर्स से पता कर लेता हूँ। गुरप्रीत? यस सर। इनके बच्चे की फाइल निकाल लिए गुरप्रीत की। जी सर। हाँ गुरप्रीत। हाँ जी सर। आप ये गुरप्रीत को मैं दवाई भेज रहा हूँ, ये भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। यार एक बार बताओ, तू पहला आदमी है जो गुरप्रीत नहीं लग रहा, तू कौन है? सर मैं नवेद हूँ। ओ नाइस टू मीट यू। हेलो मैडम, मैं आपकी सोसाइटी में ही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनके सोसाइटी प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है। कल रात आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है, तो हम सबसे ये पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी सोसाइटी की बात है, आपकी सोसाइटी की बात है, इसमें पूछताछ करनी जरूरी है। आपको क्या आवाज से और शक्ल से मैं चोर दिखती? मैडम मैं एक बात बताऊं, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया आपको, मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूं कि तमीज से, और आपसे ही नहीं पूछ रहे, सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितने फ्लैट्स हैं, सबके घर पूछ रहे हैं फोन करके। मैं जान सकता हूं आपके कल का क्या शेड्यूल है, आप ऐसे बता सकते हैं या आपके घर पहुंच के हम पेपर भेजे जब बताएंगे आप? सॉरी मैं बताती हूं। आप बताइए कल का, कल का क्या शेड्यूल था? मैं इतना ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं सुबह अपनी बुआ के साथ उनके घुटनों में इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल गई थी। मेरी बुआ को जोड़ों का और घुटनों में बहुत पेन रहता है। आप वापस कब आए? वापस आते वक्त मुझे 11:30 हो गए थे, वहाँ लाइन में लगे लगे गर्मी में इतने पसीने आए। 11:30 के बाद आपने क्या किया मेरे को ये बताइए? 11:30 के बाद मैंने ऊपर जाके टंकी साफ की, बहुत दिनों से नाली में पानी नहीं आ रहा सही से, और ऊपर इतनी काई जम गई थी छत पर। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद घर पे मेड नहीं आई थी, तो फिर मुझे सारा काम करा मैंने, और मेरा पेट भी बड़े दिनों से खराब, तो इसलिए फिर मैंने खिचड़ी बनाई और वो खाई। उसके बाद 5 बजे मैं सत्संग जाने के लिए निकली थी। कितने बजे वापस आए आप सत्संग से? सत्संग से मैं घर वापस ही नहीं आई। फिर कहाँ गए आप? कहाँ गए आप? मैं सत्संग के बाद वहीं से बुआ के घर चली गई। बुआ के घर आप कब तक रहे? बुआ जी के घर मैं रही होंगी कोई 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपने क्या किया मेरे को जल्दी जल्दी बताइए, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। 8 बजे के बाद मैंने घर आके खिचड़ी खाई और उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी।
ये किया आपने सोनिया जी? हाँ हेलो हेलो, अकॉर्डिंग टू योर फेसबुक अपडेट मैं आपको बताता हूँ, 11:30 का आपका अपडेट है, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एट माय बार, समझ गए आप? आपके इंस्टा को हमने देखा है। उसके बाद आपका 5:30 का अपडेट है, एट IGI Terminal 3 गोइंग टू पेरिस। 7:30 शाम में आपने इंस्टा पे फोटो डाला है, हैशटैग लव फॉर इटालियन फूड। 8:30 आपका अपडेट मैं यहां पे देख रहा हूं, फीलिंग क्रेजी एट पब। क्या बताएं अब पुलिस वाले क्या बताएं, ये सोशल मीडिया है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी कहाँ गए थे? T3 एयरपोर्ट, कौन सी फ्लाइट थी? कोई फ्लाइट नहीं थी, वो तो बस चिढ़ाने के लिए। किसको चिढ़ाने के लिए? मेरी फ्रेंड दिव्या को। दिव्या को चिढ़ाने के लिए? हाँ, जब सोशल मीडिया पे आप इतनी बातें लिख रहे हो हैं, जो कि है नहीं है आप में, आप फंस गए, तो आपको सोशल मीडिया पे ये पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का पुलिस वाला जो है वो नवेद है। एक तो बड़े दिनों बाद आए हैं, ऊपर से आज सीख बहुत कुछ लिया। I'm sorry, गलती से लिखा था। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना। हेलो कामिया जी, नमस्कार, ज्वेलर से बोल रहा हूँ जी। नमस्ते नमस्ते, सबसे पहले तो मुबारक हो, आप तो 11 दिन रखे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से कार्ड नहीं आया, मैं मुंह पे कहता हूँ, आपके हस्बैंड के घर की तरफ से आ गया है। अरे नहीं, हम तो बस आने वाले थे। नहीं, मैंने आपको फोन इसलिए किया कामिया जी, आपकी रिंग तैयार हो गई है, मतलब तैयार क्या, धागा मिल गया था, उसी नाप का मैंने रखा है। कब तक हो जाएगा ये सब कामिया जी? ये आपको मान के चलो, आपको आपको मैं शादी से 2 दिन पहले दे दूंगा, बस उसकी फिनिशिंग पे थोड़ा रख लेना, मतलब ध्यान, फिक्र ही मत करो। नहीं, क्योंकि रिंग ही मतलब मेन होती है ना फिर। लेकिन कामिया जी, मैं एक बात बताऊं, शिकायत रहेगी, रजत के घर से कार्ड आ गया, आपके घर से नहीं आया। आप तो घर वाले हो, आपको क्या बुलाने की जरूरत? अपने को बुलाया भी जाता, लेकिन ये है थोड़ा एक बार बोल देते, चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम है। आप पक्का आइएगा शादी, तो आपको सबसे पहले आना, और रिंग लेकर तो मेरी पहले आ जाना। आप ये लगा लो, पूरी मैंने टीम अपनी आपकी रिंग पे लगा रखी है। बस आपकी तो मतलब मम्मी भी इतनी तारीफ कर रही थी, मतलब आपको तो पता ही है हमारे यहाँ की सारी ज्वेलरीज आपके यहाँ से बनती है। और मैं सही बताऊँ, आपके साथ मतलब आप जो मम्मी कह रहे हो, ये भी बहुत अच्छी लेडी है। जी अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब मुझे रजत से ज्यादा उसकी मम्मी पसंद है, मतलब इतनी सही ट्यूनिंग है उनकी और मेरी, मैं तो उन्हें कह भी रही थी इतना करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, खुशी तभी वो कह रही थी और ले लेते हैं, और ले लेते हैं एक दो सेट। मैं मतलब आप बोल रही है तो मैं जरूर आऊंगा शादी पर, और ये पक्का है, 1 दिन पहले मैं आपको ये रिंग टेस्ट करा दूंगा, ठीक है? जी अंकल, ठीक है। कामिनी जी? हाँ जी कामिनी जी, बस ये कह रहा था, ये जो रिंग इन्होंने दी है ना, इसमें मैंने मतलब इनको दिखाई भी, 4 डायमंड जड़वाए हैं इन्होंने, जो बिल्कुल चुट्टू चुट्टू से डायमंड है ना, मतलब मैंने बड़े भी दिखाए थे, तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा आप देख लो बड़े डायमंड भी हैं इसमें, कह रही नहीं चुट्टू दिखाओ कोई, समझ लो दाने हैं पिसे हुए, क्या है उसमें, ब्लू कलर के वो जड़वाए हैं। तो उसमें बड़े भी थे कोई? बड़े हैं, पर मम्मी तो यही कह रही थी कि इस कलर में बड़े डायमंड्स। ए लो यार, भगवान झूठ ना बोलवाए, ज्वेलर पे इस कलर में बड़े डिजाइन, पूरी दुकान बड़ी पड़ी है। अरे छोटो, वो 5x4 का जो डब्बा है उसमें पड़े ब्लू कलर के डायमंड। मैडम, इतने बड़े डायमंड भी है, पूरे रिंग में एक डायमंड आ जाए। उन्होंने मेरे से ये कहनी थी, कामिया को छोटे ही पसंद है, कहनी बिल्कुल चुन्नू चुन्नू पसंद है उसको, बिल्कुल जो रगड़ा वाला होता है ना, बिल्कुल नाम निशान ना हो डायमंड का। क्या हो गया मैडम? नहीं कोई नहीं, अभी बस इनकी अपनी मतलब अपनी बेटी की होती तो इसमें कोई नूर के बराबर जड़वा लेती है। नहीं बस ये है, उनकी मोहब्बत है। क्या मोहब्बत, तोल के देख लो मोहब्बत, कितनी मोहब्बत मोहब्बत इनकी। देखिए ये उनकी अपनी वो है कि अपनी मर्जी से दे रही है। चलो सही है, अभी तो रिंगी बोली थी, पता नहीं अगर कड़े बोलती होते उसको भी पिचवाई देती हूँ, उसको तो बिल्कुल ही पाउडर लगवाती हूँ उस पर। तो नहीं, डायमंड का पाउडर तो नहीं आता मैडम, वो बनवा देती ना, आप नहीं जानते उन्हें। आप मेरे को नहीं जानती, मैं बेकार में यार शुरू में घर बस रहा है, उसको मैं परेशानी करूँ। कामिया जी जी बोलिए, कुछ और भी? नहीं, कुछ और नहीं रह गया है। आप, मैं उनको नहीं जानता, आपकी मदर इन लॉ को, आप मेरे को नहीं जानती, आप तो जब से वही समझ रहे हैं। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ। कामिया जी, आपको मालूम है आपकी डायमंड रिंग जो है ज्वेलरी शॉप पे सबसे अच्छी और सबसे बड़ी डायमंड रिंग है। हम तो मजाक कर रहे थे, उनमें देखना चाह रहा था, लेकिन कामिया एक शिकायत रहेगी कामिया है, रजत की तरफ से आ गया मेरे को इन्विटेशन, मेरे को आपने नहीं बुलाया। कोई नहीं, नवेद में अभी भेज देती हूँ। मॉम सुनना नहीं, बस ये रेडियो ऊपर।
हाँ भाई वैभव, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था। मैं कांस्टेबल उद्यम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। अगर तूने दो दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, PCR आएगी, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है, PCM से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी धरोल देंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूं भाई? सर मैं कॉल कर लेता। अरे काय को कॉल कर रहे हैं, अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? बात समझिए, गाय को झूठ बोल रहा है, बहाने मत लगा। ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू? मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा, तो मैं PCR भेजूं, ठीक है? एक सेकंड आप ये सुनिए। ना भाई मुझे यकीन ना आ रहा बात में। मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके दे, बहुत बड़े बड़े देखे मैंने, और झूठ मत बोले। फोन काट दियो, 2 मिनट में PCR तेरे घर पे। गाड़ी लेके जाके PCR उठा के ला लौटने को। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास, मैं टॉयलेट में। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर एक सेकंड, सर मैं कसम खा के बता रहा हूँ, टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। 3 गवाह है इश्क के। हेलो हेलो, बसंत? हाँ बसंत, बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं आप? बसंत मैं कॉलेज में था आपके साथ, याद है? काफी टाइम हो गया आप तो। हाँ तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखी है तूने अपनी। हाँ तो नहीं, कल मैंने आपको मार्केट में देखा था तो नहीं, 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहे तू? 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फोन किया था। ओ कमीने सुन। हाँ? तो वही है ना जग्गी है सौरभ में से? कोई भी हो, मेरे को बड़ा मजा आया कल 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया। ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना? मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले। 65 किलो 65 किलो समझा, हराम ज्यादा 65 किलो, चाहे तो आगे नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ ओ ओ, ओ कॉलेज के छिचोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा। ओ ओ ओ, तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आदमी नहीं पूछता होगा। हाँ हाँ चल चल चल, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। 65 याद रख ले, मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। चल भाई चल, 80 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए हैं शादी को, समझा? कुत्ता कहीं का। हेलो हेलो श्वेता मैडम। हाँ जी श्वेता मैडम, मैं ये मोहन भैया की मोबाइल शॉप है ना, वहाँ से बोल रहे हैं। हाँ भैया बोले। 2 दिन पहले आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था ना, हमने वापस कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी आपको इन्फॉर्म नहीं किया मैंने, सोचा बता दूँ। कोई बात नहीं, मिल तो गया मुझे फोन। नहीं नहीं वो मिल गया, लेकिन वो आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा हम गलती मान रहे हैं, वो हुआ क्या था ना, आप मोबाइल जब खोला तो आपका सिम कार्ड जल गया था, वो सिम कार्ड खराब। क्या किया तुमने? वो जला दिया मेरे बच्चे ने ना, वो इधर खेल रहा था तो वो जल गया आपका सिम कार्ड। वो जल गया मतलब? और तुम मुझे आज 2 दिन के बाद बता रहे हो? वो जल गया। ऐसे कैसे जल गया और तुम मुझे 2 दिन के बाद बता रहे हो? ए, मैं आपसे ये कह रहा था मतलब हमारे कर क्या रहा था तुम? फोन जला के दिया तुमने सिम कार्ड? नहीं मतलब इंटेंशनली नहीं जलाया मैंने, मतलब वो मेरा बच्चा खेल रहा था, उसको पता नहीं था सिम कार्ड में आग लगा रही है। मेरा सिम कार्ड है और तुम मुझे 2 दिन के बाद बता रहे हो? उस दिन क्यों नहीं भोंके तुम? क्यों नहीं भोंके उस दिन जब मैं फोन लेने आई थी दुकान पे? हम अपनी गलती मान रहे हैं, वो मेरे बच्चे ने ना उसको जला, मेरे बच्चे को पता नहीं था ना। तुम पागल हो गए हो? एक तो मेरा तुमने सिम कार्ड जला दिया, ऊपर से तुम बोल ही जा रहे हो। नहीं तो मैं किसी को फोन कैसे करूंगी? अब कैसे फोन आएगा मुझे कोई? ऐसी जैसे अभी आया ना आपके पास सिम कार्ड तो इसी में ही है, मेरा चुप रहे हो तुम। हेलो सर, गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन रूम नंबर 118। हाँ जी सर, आई एम सो सॉरी मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर आप अभी रूम में? हाँ जी। विद योर वाइफ? या मतलब विद माय गर्लफ्रेंड। या सर लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने अभी वॉशरूम यूज किया था क्या रूम का? आपको 1.5 घंटा हो गया क्या अंदर? हाँ मतलब हो गया, मैं 3-4 घंटे। क्यों क्या वॉशरूम गए थे आप? वॉश नहीं, पर ये कैसा सवाल है? अभी आप कहाँ पे हैं सर? रूम में ही हैं, बेड पे, मतलब रूम पे हैं, रूम में ही हैं।
सर आई एम सॉरी आपको इस वक्त मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन। पर ये क्या टाइम है यार? नो आई नो सर, ये 12:30 बजे रात में कॉल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट सर होटल यू नो। सर मैं कह रहा था आप वॉशरूम गए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं वॉशरूम तो नहीं, पर क्या सवाल है यार आपको, कुछ जरूरी बात करनी है थोड़ा? नहीं सर इसलिए कह रहा हूँ, जरा वॉशरूम तक चले जाएंगे आप प्लीज? वॉशरूम पे चले जाएंगे? हाँ सर, मेरे रूम के जी, आपके रूम के अंदर जो है उसमें चले जाएंगे। क्या काम है आपको वहाँ पे? सर अंदर प्लम्बर गया था अभी 1-1.5 घंटा पहले, जब आप बाहर गए थे ना, आप मेरे ख्याल से सीधे आए अंदर, आप बेड पे चढ़ गए दोनों। हाँ? वो प्लम्बर अंदर ये काम कर रहा है बहुत देर से, उससे कहेंगे बहुत देर आ जाए भाई वापस, वो अंदर ये वॉशरूम में, उसको कहिए भाई जल्दी आ जाए बाहर अंदर। अरे पर रूम में तो हम बैठे हुए हैं ना अंदर, अंदर कैसे आया वो? चाबी तो मेरे पास पड़ी, कहाँ से घुस कैसे गया? सर होटल वाले के पास, होटल में दूसरी चाबी होती है, वो मैंने टैब ठीक कराने के लिए उसको भेजा था। अंदर घुसा हुआ है बिना मेरी परमिशन के। ये मैं आप कह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा हूँ, आप कह दीजिए उससे। और रखिए क्या, और रखा है यहाँ पे किसी काम के लिए आते हैं ना होटल में बंदा? तू भाई का बाहर निकल, तेरी टूटी मैं खराब करता हूँ। हेलो हेलो सर, आप क्यों नहीं कह देते उससे, आप जाके कह दो ना वो दरवाजा नॉक करके बाथरूम का। मैं नहीं बोल सकता ना, समझा तो, उसको, बात उसको, उसको बोल दो, आप उसको बोल दो यार बाहर निकले कमरे से, बेकार की बातें कर रहा है यार वो। अब तेरे मैं काट दूंगा, तू भी जा पड़ा सर, वही मैं इससे कह रहा हूँ, इसको डांटिए, इसको डांटिए सर, इसको डांटिए इससे, कहिए विदाउट परमिशन 12:30 बजे रूम नंबर 119 में घुसने की जरूरत क्या थी इसको? मैं तो बोलूंगा, बोलिए इसको 119 में क्यों घुसा है ये ऐसे? क्या कह रहा है, कौन सा कमरा नंबर? 119 सर। अबे मेरा 118 है। आई एम सो सॉरी सर, गुड नाइट, आप सो जाइए सर, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हेलो नलिनी, पागल हो जाऊंगा। हेलो कौन बोल रहे हैं? नलिनी, कॉलेज रीयूनियन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं भी हूँ। अच्छा अच्छा। नलिनी अभी जो आपने फोटो डाला ना ग्रुप में। हाँ क्यों? अरे यार स्नैपचैट का कौन सा फिल्टर है ये, पता तू कैसी लग रही है, चाइनीज सी ये, गाल अजीब से, आंखें अजीब अजीब बड़ी, मतलब भेंडी सी, कौन सा फिल्टर है स्नैपचैट का मुझे बता प्लीज, मैं भी करूंगा। हेलो सुन रहा हूँ बोल। वो कोई स्नैपचैट का फिल्टर नहीं है, मेरी रियल फोटो है। फिर तो फोन नहीं काट तू, मैं दांत पड़ना बंद कर। हेलो भाई साहब, ये ग्रे कलर की होंडा सिटी 80 ये आपकी है गाड़ी जो अभी यहाँ पार्क हुई हुई है घर के सामने? हाँ जी मेरी है। आपकी है ना? हाँ। एक सेकंड लाइए जरा सरिया, फ्रंट पे मार सरिया पे। ओए 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 बच्चा पागल हो गया, बच्चा पागल हो गया भाई। अब बताओ तेरी ऐसी किस पैती रुक जा साले, रुक जा तेरी नाका, मान जा उल्लू के बच्चा, रुक जा अभी, रुक जा आ रहा हूँ नीचे। अरे तेरी बहन को मारू मान जू। इधर देखा सरिया बोनट की तरफ, रुक जा तेरी नाका। थक गए सर, अगेन होंडा सिटी आपकी है नहीं ये 80? कौन तू? देखिए मैं जो भी हूँ अभी तो आपका मुर्गा बन गया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पड़ोसी कह रहे थे मेरे से कि इस तरह आप गाड़ी पार्क करते हैं उनके घर के सामने बिना बताए नो पार्किंग पे, आइंदा कभी खड़ी मत करना ठीक है? क्या यार भैया, पार्क मत करना, कभी पार्क मत करना, नो पार्किंग नहीं करूंगा भाई, तुमने तो हवा निकाल दी। हेलो हाय, मैं तुम्हारा बिल बना था उसके लिए तुम्हें कॉल है, अपना बिल जानना चाहो दबाइयो जरा, 6 दबा दिया तुमने, अभी हम बिल चेक कर लिए तुम्हारा, रुके रहो, आउटगोइंग अगर चेक करना चाह रहे हो तो 2 दबाइयो जरा, ऐ बढ़िया दबा दिया, अगर तुम बिल चेक करवाना चाहो तो कहियो जरा कि बिल चेक कर दो, और ना कराना चाहो तो ये कहियो कि कुछ मत करे, बिल चेक कर दो, थमे रहो अभी तुम्हारा बिल बताए दे मोबाइल का, थमे रहियो। ओफो अबे कितना बिल आया तुम्हारा, मैं धक से रह गई, ओ हिला के फेंक दिया मुझे, आउटगोइंग जानना चाहो तो दबाइयो 5, और ये जानना चाह रहे हो जितना आज तक का पिछला लेना देना साले सबको निपटा दूं तो दबाइयो 6, कैसा बढ़िया दबा रही है,
हंस भी रही है साथ में। अब मैं आपको बताई दूं आपकी बिल के बारे में। अगर यूं जानना चाहो कि तुमने किस किस को कॉल मारी है तो अपने मुंह से कहो जरा बताइयो। हाँ जी जरा बताइए। ऐसे नहीं कह जरा बताइयो। जरा बताइयो। ये बताए दूं कॉल पे कॉल चला दी बॉयफ्रेंड की, इतनी कॉल लगाई है, अब भी हम पे कहना चाहो कि हमारी कंपनी ज्यादा बिल बनावे, कंपनी से लड़ना चाहो अगर धर पकड़ करके बुद्धि नोच दूंगी। ऐसे काम करे जा रही है ये रेडियो मिर्ची से नवेद की तरफ से फोन था, मुर्गा सुन के बिल ज्यादा आया तब भी दिल खुश है तो दबाओ 5। दबाइयो। क्या दबाया है? नवेद के साथ मुर्गा सुनते रहो। बहन जी बाय बाय। हेलो। हाय, अब दुनिया में पहली बार हमारे हिंदुस्तान में जियो मोबाइल, जियो मोबाइल जिसमें वॉइस कॉल फ्री, 1 GB डेटा मात्र 50 रुपए में, और न जाने क्या क्या फ्री। सारी फ्री चीजें लेने अपने मोबाइल की सर्विस चेंज करने के लिए अभी दबाएं 5। अपनी वॉइस कॉल फ्री करने के लिए दबाइए 5 5। धन्यवाद, आपकी वॉइस कॉल फ्री हो गई। इंटरनेट फ्री करने के लिए दबाइए 2 2। धन्यवाद, आपका डेटा हो गया फ्री। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप भी हो जाए फ्री तो दबाइए 2 2। धन्यवाद, आपका व्हाट्सएप हो गया फ्री। फेसबुक फ्री करने के लिए दबाइए 3 3। धन्यवाद, आपका फेसबुक हो गया फ्री। इंस्टाग्राम फ्री करने के लिए दबाइए 4 4। धन्यवाद, इंस्टाग्राम हो गया आपका फ्री। स्नैपचैट इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि फ्री करने के लिए दबाइए 1 1। स्नैपचैट इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि आपके हो गए फ्री। 1 GB से ज्यादा अगर आप चाहते हैं 4 GB डेटा फ्री करना तो दबाइए 3 3। धन्यवाद, आपका हो गया 4 GB डेटा फ्री। अगर 4 GB डेटा ना लेकर आप ऑयल लेना चाहते हैं हमसे तो दबाइए 5। वाह, आपका हो गया ऑयल फ्री। आपको अगर यकीन नहीं है तो हमारे ऑलरेडी पहले से कस्टमर हैं जो यूज कर रहे हैं, आप इनसे बात करें, इनकी आवाज सुनिए। सर बताइए क्या क्या फ्री। यार भाई बहनो, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, सब कुछ है इसमें फ्री फ्री फ्री। हमारी सर्विस में फ्री की इतनी होड़ है कि आज से हम कस्टमर केयर में भी काम कर रहे हैं फ्री। हमें सैलरी नहीं मिलती और हम काम करेंगे फ्री। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अगले महीने से तू भी काम करेगा फ्री। कौन बोल रहा साले, वहीं आके मारूंगा तुझे। तुझे नहीं लग रहा तू मुझसे हो रहा है ज्यादा फ्री? ऐसे ही रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ सुनते रहिए मुर्गे फ्री। हेलो, टेंट हाउस। हाँ जी सर, कौन? हेलो भाई साहब, ये प्लेट्स होंगी आपके पास? प्लेटें? हाँ जी प्लेटें है। कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर योगेंद्र बोल रहा हूँ, ये मेरे को बताया था आपके पास प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर मिल जाएगी सर। कब चाहिए सर आपको? मेरे को तो अब बहुत अर्जेंसी है, आप मेरे को शाम में दे दो। सर कितनी प्लेट चाहिए? 1,22,000। कितनी? 1,22,000। हमारे पास 5,000 से ज्यादा प्लेटें नहीं हो भाई। 5,000 में तो काम नहीं बनता ना। दूसरे किसी टेंट हाउस से मंगवाऊं तो उसको मिला के भी 6,500 हो पाएगी? 6,500 नहीं सर, 1,20,000 प्लेटों से तो कम काम ही नहीं है ना। 1,20,000 सर, प्रोग्राम क्या है सर? होश में तो है? मैं तो होश में हूँ, इन्होंने कहा है मुझसे, जब तो मैंने आपको फोन किया है, इन्होंने कहा है मेरे से, इस इन्होंने डॉक्टर साहब ने, इन्होंने मेरे से कहा है कि अभी इंतजाम कर लो, डेंगू हुआ है ना मेरे को, डेंगू तो रिपोर्ट आई है। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, 11,000 प्लेटें बची हैं, कम से कम 1,20,000 प्लेटें चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई अब पता कर लेता हूँ मैं, आप कह रहे हो आपके पास भी नहीं 1,20,000 प्लेट। डॉक्टर है भी अजीब, इन्होंने कहा 1,20,000 प्लेट्स का इंतजाम कर लो, और ये नहीं बताया मेहमान कितने आ रहे हैं। मैं 1,20,000 प्लेट मंगवा भी लूँ आपसे, मेहमान तो पता चले ना कितने मेहमान हैं। आप मेरे को पता चला, मैंने इनसे पूछा 250 ग्राम की एक प्लेट है, ये 1,20,000 चलाएंगे मैं तो। टेंट हाउस वाले भाई साहब देखिए ऐसा है कि प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी ऐसे हंसता रहे ना आपकी तरह। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था मैंने आपका।
क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी दिल्ली में डेंगू है और डेंगू से काफी लोग परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, जिनको डेंगू हो चुका है उनकी मदद करें, चाहे उनको ब्लड की जरूरत हो या फिर प्लेट की जरूरत हो या फिर प्लेटलेट्स की जरूरत हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात ये होते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान होता है, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज जिस हॉस्पिटल में जाएं नर्सेज वहां के स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्यों मुझे मालूम ऐसे हालात में थोड़ा सा गुस्सा आता है, मिलजुल के काम करिए सबकी सेहत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब, आगे प्लेट की जरूरत पड़ेगी ना मैं आपसे लूंगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। हेलो, हाय प्रियाली। या हूज दिस? प्रियाली, विक्रम महेश अंकल ने आपको महेश अंकल महेश अंकल ने मुझे भी बताया था। अच्छा लगा कि आपने कॉल किया विक्रम। या बिकॉज हमारी कभी बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैं आई अंडरस्टैंड। और विक्रम, व्हाई आर यू सो शाय? डू यू हैव समथिंग टू आस्क? आप पूछ सकते हैं मुझसे। और खाना खा लिया? हाँ, बट आपको पता है आप मेरे से कुछ और भी पूछ सकते हैं। या कुछ और भी? हाँ, क्या खाया आपने? ये कैसी बात है? मैं अभी जनरली विक्रम, आप कुछ और भी पूछ सकते हैं मेरे से इसके अलावा। हाथ धो लिया? हाँ? नहीं, खाने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं ना, मेरे तो नाखूनों में दाल लग जाती है कभी कभी, होता है। विक्रम, we are talking for the first time. Yeah, I know, but, I know. And you know, you can get comfortable. No. आप पूछ सकते हैं मेरे से जो भी आपको पूछना है। If you want to ask me like anything, you know. और आगे का क्या सोचा भाई तुमने? आगे का तो यही, अब टंकी भर गई, पानी बंद कर दूंगा मैं। हेलो हेलो, तू चुप कर। क्या हो गया? तू जा अपनी टंकी बंद कर। टंकी अभी भरने वाली? बोला ना जाके टंकी बंद कर। अभी भरी, पूरी भर जाएगी ना अभी थोड़ी देर में। मेरी बात सुनो ना, आप मेरे को गधे के बच्चे, तेरी ना कभी शादी नहीं होगी। मैं भी महेश अंकल को बोल दूंगी ये बात, तू टंकियां ही बंद करेगा, देख लियो फ्यूचर में। यही प्लान है तेरे फ्यूचर का? खाने में क्या खा रहा है? नाखूनों में डालने की टंकी बंद करनी है? रिश्ता खत्म हो जाएगा। यार मेरी बात सुन लीजिए, रिश्ता खत्म हो उससे पहले मैं बता दूं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, उसका रिश्ता खत्म मत करी। नमस्कार, हिंदी में जानकारी के लिए एक डायल करें, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक दबाएं, अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए दो दबाएं, आगमन एवं प्रस्थान संबंधी जानकारी के लिए दो दबाएं। आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है, कृपया लाइन चालू रखें। नमस्कार। ये मैडम। हाँ जी। ये किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर? सर, मैं जान सकती हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे परसों टिकट लिया था, परसों मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई। सर, फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? कोई चेक नहीं करना है आपको, आप मेरे को ये बताइए फ्लाइट आपकी दिल्ली टू मुंबई कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में? 1 घंटा 40 मिनट। तो मेरे को कब पहुंचाओगे आप? मैं समझी नहीं। मैं परसों वहाँ से हमने टेक ऑफ किया है, एक सेकंड रुकिए, आप ये अनाउंसमेंट को भी शायद बता रहे हैं। मेज़बान कुर्सी के पेट सीधे रखे और खिड़की का शटर ऊपर करें। क्या सीट बेल्ट बांधो यार, कम से कम उतारो तो सही। सर, मैं जान सकती हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी हवाई जहाज में ही हूँ, अभी लैंड कहाँ किया है? परसों उड़े थे हम दिल्ली से। कहाँ पे हैं सर आप अभी? मेरे को पता नहीं है, अभी तो जहाज में ही है, शायद नीचे बादल है, अभी पता नहीं है हैदराबाद है क्या है, मुंबई उतार रहे हैं कहाँ उतार रहे हैं, लेकिन ये लैंड क्यों नहीं हो रहा है यार, कितनी लंबी जर्नी हो गई। सर, आप एयरक्राफ्ट से फोन करें। और क्या करें भाई, आप ये 2.5 दिन हो गया, कब उतारोगे भाई मुंबई में? आप ऊपर मोबाइल करें। तो क्या करूं, बैठे बैठे थक गया मैं। आप जरा मेरी बात करिए क्रू में किसी से। हाँ जी, आपसे बात करने के लिए बोल रही हैं। या दिस इज कैप्टन। कौन बोल रहे हैं आप? दिस इज कैप्टन नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची, एंड इनको लैंड करवाते हैं अभी यार, 2.5 दिन हो गए। अच्छा, ओके। मुर्गे में सबसे ज्यादा मजा आता है जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड का मुर्गा बनवाती है। ये फोन लाइन में मेरे साथ निकिता हैं, आज 10 दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ गई हैं, घर पे हस्बैंड है, उनका मुर्गा बनवाना चाह रहे हैं। निकिता, मैं फोन कर रहा हूँ आपके हस्बैंड। ओके, ठीक है। हेलो हेलो सनी। हेलो, कौन आप है भाई?
हेलो कौन? सनी, सनी यार भूल गया क्या? कहाँ पे है तू? भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? भाभी भाभी तो गई हुई है यार, तू आ जा घर पे, पार्टी वार्टी चल रही है, देख लेंगे बाद में। कहाँ गई भाभी? अभी अभी निकली है क्या घर? अरे भाभी गई 10 दिन चले गई, तू आ जा घर पे, पार्टी चल रही। भाई तू सुन तो ले मेरी बात, तू एक काम कर, पहले इधर आ जा, फिर अपना शुरू भी कर लेंगे। भाभी की बात सुन ले, भाई मेरी बात तो सुन ले। अबे तू आ जा इधर, छोड़ दे, आ जा। भाभी मेरे साथ बैठी है, तुझसे बात करना चाहती है। अबे भाई तो सनी मैं ये कह रहा था, भाभी मेरे को अभी रास्ते में मिली, तूने जैसी कैब कराई है ना। हाँ? भाभी मेरे को मिली, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप? कहती मैं अपने घर जा रही हूँ, माँ के घर 10 दिन के लिए। मैंने कहा मत जाओ अभी उस तरफ। भाई पता है क्या है, वहाँ पे मैंने सुना है डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, मतलब काफ़ी बीमारी है वहाँ पे झांसी में। मैंने कहा आप 10 दिन के बाद जाना, अभी वापस जाओ घर, तो बात कर जरा, आ रही हैं। हाँ सनी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हें याद कर रहा था, मैं भी वैसे ही थोड़ा उखड़ा उखड़ा फील कर रहा था। ये भाई साहब मिले थे मुझे, मैं कैब से जा रही थी तो इन्होंने मुझे रोक लिया, कहा कि वहाँ मत जाओ, ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ वापस आ जाऊँ। अब मैं 10 दिन के बाद ही जाऊंगी। चलो मैं इनको फोन दे रही हूँ, मेरी कैब आ गई, मैं निकलती हूँ, ठीक है? सी यू सून ननू। हेलो। हाँ तो मेरे को जब भाभी मिली ना, मैंने कहा यार ठीक नहीं है। तू पागल है? तूने उसको क्यों बोला? तू बात करने गया था उससे? मदद मैंने उनको बोला उधर बेकार में अभी रिस्क किया ना। चुप कर दे मदद। यार मेरे को भाभी जी मिली, मैंने कहा चुप कर जा, बोल रहा हूं, बात करने की जरूरत क्या थी यार, पहले ये बता मेरे को तेरा क्या लेना देना उससे यार। अबे बाप बता, तेरा मतलब क्या था उनसे बात करने का है? अबे पहले ये बता, तू बोल कौन रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कब निकली है मेरी वाइफ वहां से? कहां से? आपके वहां से? मेरे पास तो आई नहीं वो। वो भाई झांसी जा रही है, 10 दिन के बाद ही आएंगी। कैरी ऑन, लगे रहो, वो तो मुर्गा बनाना चाह रही थी आपका और अच्छा खासा बन गया। नन्नू प्यार, इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जाओ, भेजू वापस। यार तुम भी यार, एंजॉय करो, एंजॉय करो भाई। बना गई वो तगड़ा बना गई। हेलो। मैं जवाब में हेलो बोलूं? कौन बोल रहा है? नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब में हेलो बोलने का। महेश जी से बात कर रहा हूँ, मेरी महेश कहाँ पे है? वो यहाँ पे अभी नहीं है। आप कौन? राजू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भाई बोल भाई बोल रहे हैं। मैं आपके महेश भैया ने मेरी शादी कराई थी। हाँ जी। 2 साल पहले मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है चक्कर चल रहा है किसी से। ये महेश को बताना चाहिए था, शादी करा दी पकड़ के। पहली बात तो आप तमीज से बात करिए। हाँ। उन्होंने शादी कराई है, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कराई है। नहीं तो मेरे भाई महेश के भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा होता आपको पता चलता ना। एक बात बताओ, मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है? आपके भाई के साथ चल रहा होता ना, मेरे को चलो फिर भी वो हो जाता इत्मीनान, चलो कोई अपना है। हुआ क्या? चक्कर चल रहा है वाइफ का, मैंने खुद देखा है। किसके साथ? इसके मोबाइल पर फोन आया, मैंने मोबाइल चेक किया ना तो ये टालने लगी। मैंने इसका पीछा किया, साकेत में जो मॉल है जी, मॉल में इसको एक लड़का मिला, ये मॉल के अंदर चले गए, पीछे पीछे मैं गया। मेरे को लग रहा था मॉल में जाके ये कुछ करेंगे, लेकिन इनको शक हो गया, पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद ये मोबाइल लेके अपना चले गए कॉफी शॉप में। कॉफी शॉप में मैं इनके पीछे पीछे गया, मेरी वाइफ को ये शक हो गया, पीछे मैं हूँ, कॉफी शॉप में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चले गए अंदर जीटी सिनेमाज, एक विलन देखने से घुस गए, मैं बाहर ही खड़ा था। अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरी देखी भी है एक विलन, एक तो बकवास मूवी है, अच्छा वन टाइम वॉच भी नहीं है ना, मैं अगर वन टाइम वॉच होती वैसी 2 बार देख लेता हूँ। मैं चला गया घर सोने, मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी जब आऊंगा 3 घंटे के बाद। हेलो। महेश के भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। श्वेता ने मुझे बताया था कि महेश ने एक रिश्ता करवाया है, शादी वादी करवाई, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर एक विलन देखने के अंदर जाके। वेरी नाइस वन, वेरी नाइस वन।